हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा लीनियर मैग्नीफिकेशन। ओके, लीनियर मैग्नीफिकेशन मीन्स मैग्नीफिकेशन सीखा। मैग्नीफिकेशन के हमने तीनों प्रकार यानी तीनों टाइप्स भी सीखे। कौन कौन से थे बेटे? एक था लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, इन नामों से हम लोग इसको जानते थे। ठीक है, दूसरा हमने क्या सीखा बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, और तीसरा एरियल मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन कब मिलता है हमें? जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं तब हमें क्या मिलता है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन मिलता है। ठीक है, और तीसरा एरियल मैग्नीफिकेशन क्या होता था? एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन एंड एरियल मैग्नीफिकेशन, थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन हमने सीखा। तो मोटे मोटे तौर पर बेटा रिफ्लेक्शन पार्ट में तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे ही पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे बन जाएंगे। एक तो हो गया बेटा रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन, और दूसरा हो गया बेटा मिरर फॉर्मूला 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ, एंड तीसरा हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर ही आपको सारे प्रॉब्लम्स होंगे। एक जो चीज है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट आता है कि सर जब हमने इन फॉर्मूले को प्रूव किया, चाहे हमने मिरर फॉर्मूला प्रूव किया हो, चाहे हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले प्रूव किए, दोनों ही कंडीशन में हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे बेटा? साइन कन्वेंशन यूज कर चुके थे, है ना? साइन कन्वेंशन वहां हमने यूज किया था। तो बच्चे पूछते हैं कि अब जब हमें प्रॉब्लम में इन फॉर्मूलों को यूज करना है तो वहां मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं या नहीं करूं, क्योंकि ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज हो चुका है, सिंबल साइन हमने पहले से यूज कर लिया है, तो क्या मैं प्रॉब्लम्स बनाते वक्त भी, है ना, इसको कंसीडर करूं, इसको साइन कन्वेंशन को? तो बेटे यस, आपको कन्वेंशन साइन कन्वेंशन को फॉर्मूले में यूज करना है, इवन दाओ कि हमने वहां पर इसको यूज किया था, स्टिल वी हैव टू यूज, है ना, क्या चीज बेटा? साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन यू हैव टू यूज to get the correct answer. If you will make mistakes in putting the sign convention, certainly you will get the wrong answer. ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप sign convention को सही तरीके से use करें। तो बेटे हम लोग कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, है ना, कि आखिर मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को अपने को यूज कैसे करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल वन। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल वन क्या कह रहा है बेटा? कैन अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म अ रियल इमेज? कैन अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटे, कैन अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज? एक्सप्लेन। ठीक है बेटा, तो ये एक प्रकार से थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको बताना जरूरी है ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा हमने क्या पढ़ा, जब हमने कन्वेक्स मिरर पढ़ा, कन्वेक्स मिरर में जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, तो वहां क्या सीखा बेटा कि मैं चाहे ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखूं, मैं चाहे ऑब्जेक्ट को पास में रखूं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में इमेज हमेशा कैसा बनता था बेटा? मिरर के पीछे बनता था, वर्चुअल बनता था एंड इरेक्ट बनता था। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता था हमेशा, किसके में बेटा? कन्वेक्स मिरर के कंडीशन में हमने देखा था। तो बेटे एक चीज हमने वहां पर नोटिस किया था कि जब मैंने कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन को किया, तो ये बेटा पोल हुआ, ये इसका फोकस हुआ और ये सेंटर हुआ। तो बेटे हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को या तो इधर रखा था इन्फिनिटी पे, या फिर ऑब्जेक्ट को रखा था फ्रंट में।
तो बेटे दोनों ही कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना वो क्या था बेटा, मिरर के लेफ्ट में था। आ रही बात समझ में? मिरर के लेफ्ट में हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट रखा था। जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में रखते हैं, यानी अगर ऑब्जेक्ट इधर है बेटा, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। याद करो, हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो वहीं पर सिखाया था कि जैसा इमेज दो प्रकार के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल, वैसा ही ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है बेटा, रियल एंड वर्चुअल। तो इधर के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे बेटा, रियल ऑब्जेक्ट होंगे। तो हमने जो कनकेव मिरर में इमेज को लोकेट किया या कन्वेक्स मिरर में इमेज को लोकेट किया, दोनों ही हमने किसके लिए किया था, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। दैट वॉज ट्रू ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट। क्या क्या जो हमने कंक्लूजन निकाला बेटा, वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए था कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो प्लेन मिरर में क्या होगा, हमेशा प्लेन मिरर में हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज के इमेज बनेंगे। सिमिलरली कनकेव मिरर में क्या होगा बेटा, कनकेव मिरर में है ना, कभी आपको रियल भी मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा, कभी आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट भी मिलेगा, और कभी आपको सेम साइज का भी मिलेगा। ठीक है, तीनों चीजें मिली थी हमें। फिर कन्वेक्स में हमने क्या देखा था, हमेशा मिरर के पीछे इमेज बनता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था, और साइज छोटी बनती थी। तो ये सारी बातें ट्रू है ओनली फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है मेरी बात, ओनली फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो फिर क्या करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? तो देखो बेटा, याद करो मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या बताया था बेटा, कि अगर कहीं पर रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, तो बेटे यहां से लाइट रे क्या होगी, इस तरीके से डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होकर के इस मिरर पे पड़ेगी। लेकिन अगर एक लाइट रे इस तरीके से, पहले इसको हटा देता हूं मैं, हाँ, कहीं से लाइट रे आ रही है और वो इस तरीके से यहां पर मिलने वाली है, बट इसके पहले ही हमने क्या किया, एक मिरर रख दिया। इसके पहले ही हमने क्या किया बेटा, एक मिरर रख दिया। तो अब तो ये लाइट रे इसको पार नहीं कर सकती। पार कर सकती है क्या बताओ? पार तो नहीं कर सकती भाई, है ना। लाइट रे मिरर को कैसे पार करेगी, नहीं करेगी। तो क्या होगा बेटा, है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर के, ये रिफ्लेक्ट होकर के, है ना, आ रही बात समझ में आपको, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर कहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये लाइट रे आ रही थी, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो कहां मिलता बेटा, यहां मिलता, है ना। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये कहां मिलता, यहां मिलता। तो ये जो चीज हो गया आपके लिए क्या हो गया बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो कहां पर है ये ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे है ना बेटा। इंसिडेंट रे कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है। इंसिडेंट रे कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है। अब यहां हमें दिख रहा है बेटा कि ये दोनों रे इधर कहीं मिलते हुए तो नहीं दिख रहे, यहाँ कहीं मिलते हुए दिख रहे, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ मिली, यहाँ मिली। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, लाइट रे सच में मिल रही है ना, दे आर रियली मीटिंग। तो जब बेटा रियल में मीट करता है तो वहां कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज बन जाता है। या फिर मैंने दूसरे तरीके से क्या बोला, मिरर के अगर लेफ्ट में आए, मिरर के फ्रंट में आए इमेज, तो वो क्या हो जाता है, रियल इमेज हो जाता है। तो देखो ये जो है इमेज बन गया बेटा, वो कैसा है, रियल इमेज है। आ रही बात समझ में? तो आपने क्या देखा बेटा, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो फिर इमेज क्या हो जाता है, रियल हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज रियल बन सकता है, किसमें, कन्वेक्स मिरर में। फिर से आप सुनना मेरी बात, ध्यान से गौर से सुनो, हमने क्या बोला था बेटा, रियल ऑब्जेक्ट में कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। लेकिन ये बात उस चीज के लिए ट्रू है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रियल रहेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रियल नहीं है, वर्चुअल है, तो ऐसे केस में रियल इमेज भी बना सकता है, कौन, कन्वेक्स मिरर, जो कि इन जनरल है ना, जो कि इन जनरल क्या करता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर है बेटे? तो यहाँ पे जैसा कि सवाल था कि कैन अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म अ रियल इमेज, तो क्या निकल कर आ रहा है बेटा, यस, रियल इमेज बना सकता है।
यस रियल में, अगर इसके पहले तक की डिस्कशन पर हम गौर करें तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, कन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स मिरर रियल इमेज कब नहीं बना सकता बेटा, जब ऑब्जेक्ट रियल हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो यस ये पॉसिबल है कि वो रियल इमेज बना सकता है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया कि कैन अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यस यस, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, तो चूंकि बेटे देखो याद करो, सिंस v इक्वल्स टू क्या होता था, uf अपॉन u माइनस f होता था, याद है आपको, v इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f। तो बेटे अगर मान लो मैं ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, u, चूंकि मुझे इस तरफ लेना है, ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ आ गया बेटा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब जो पहले नेगेटिव हुआ करता था, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। मान लो मैंने लिया बेटा f बाई टू, कितना ले लिया, ऐसा मैंने जनरल में ले लिया f बाई टू, रख के देखते हैं। तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या होगा बेटा, f बाई टू, फोकल लेंथ कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, तो f f बाई टू माइनस f, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो देखो क्या होगा बेटा, f बाई टू इंटू f अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस f बाई टू, क्लियर है बेटे। तो f बाई टू कैंसिल हो गया, देखो क्या आया बेटा, माइनस f आया, क्या आया, माइनस f। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, माइनस f मतलब किधर हो गया बेटा, इस तरफ। तो देखो इमेज किस तरफ फॉर्म हो रहा है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जो इमेज फॉर्म होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो रियल इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो इमेज बना वो क्या बन गया, रियल इमेज बन गया, क्लियर है बेटे, आ रही बात समझ में। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो इस तरफ क्या होगा, रियल इमेज बन सकता है। अच्छा एक और चीज देखते हैं, अब अगर मुझे ये जानना है कि क्या राइट साइड में रखिए, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर कहीं भी हो, इधर के कहीं भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए रियल इमेज बनेगा क्या, तो एक हमने क्या किया बेटा, पोल से फोकस के बीच का रख के देखा, फोकस से बाहर का रख के देखते हैं, जैसे कि 2f या 3f by 2, u बराबर इस बार क्या ले लेता हूं मैं, 3f by 2। देखो तो अब क्या होता है, v equals to 3f by 2 into f upon 3f by 2 minus f, तो ये आ गया बेटा 3f by 2 into f upon f by 2, ये कैंसिल हो गया 3f। इस बार देखो v क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया, v आ गया पॉजिटिव, ठीक है बेटे। तो किधर जाना पड़ेगा अपने को, इस तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा, तो अगेन कौन सा इमेज बनेगा बेटा, फिर से वर्चुअल इमेज बन जाएगा, ठीक है ठीक है। तो देखो क्या आया दिमाग में, क्या आया कि सभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज भी नहीं बनेगा, हरी बात समझ में, सभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनाएगा क्या, नहीं। जो ऑब्जेक्ट, पहली कंडीशन तो है वर्चुअल होना चाहिए, और उसको कहां पर होना चाहिए, पोल से फोकस के बीच में, अगर पोल से फोकस के बीच में है देन ओनली इट विल फॉर्म रियल इमेज, ठीक है, देन ओनली इट विल फॉर्म रियल इमेज। सो द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी, कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी, पहला तो हो गया भाई यस फॉर्म कर सकता है, कंडीशन क्या है, इफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट is placed between pole and focus of convex mirror, then only it can form real image, ठीक है बेटे, तब ये क्या कर सकता है, रियल इमेज बना सकता है, अदरवाइज फिर से क्या होगा, वर्चुअल ही बनेगा, अदरवाइज फिर से आपको वर्चुअल इमेज ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि प्लेन मिरर में हमेशा क्या होता है बेटा, वर्चुअल इमेज बनता है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, कनकेव मिरर में दोनों टाइप के इमेज बनते हैं। तो ये जो हमने कन्वेंशनली पढ़ा था ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये तभी तक ट्रू होते हैं जब तक कि ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो केस पलट सकता है, चीजें बदल सकती है, क्लियर है। तो हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि
कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल वर्चुअल इमेज, हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अभी निकल करके आया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये रियल इमेज भी बना सकता है। ठीक है बेटे, आ रही बात समझ में? तो अपने को ध्यान देना पड़ेगा उस चीज पर। क्लियर? तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर वन, आपको समझ में आया होगा, काफी कंसेप्चुअल था। चलो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल टू, क्या कह रहा है बेटा? ए कनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर ले लिया बेटा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है ए पेंसिल लाइज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मिरर एट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां पर एक पेंसिल रखा हुआ है। ठीक है, पेंसिल रखा हुआ है और ये जो दूरी है इसकी पोल से उसको डी बोला गया है। ठीक है बेटा, पोल की डिस्टेंस जो है डी बोला गया है। पहले केस में आपको डी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर लेना है, सेकेंड केस में डी इक्वल्स टू 40 लेना है पहले केस में, दूसरे केस में डी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर लेना है और सी थर्ड पार्ट में आपको डी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर लेना है और डी पार्ट में डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है बेटे, फाइंड द इमेज ऑफ द पेंसिल मैग्निफिकेशन ऑफ, फाइंड इमेज ऑफ पेंसिल एंड मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इन ईच केस। सभी केसेस में आपको मैग्निफिकेशन भी निकालना है। क्लियर है बच्चे? तो बहुत ही आसान है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। तो पहले केस में d इक्वल टू, तो यहां पर d क्या शो कर रहा है बेटा? पोल से। अच्छा, पहले चीज क्या है बेटा, ये कौन सा मिरर है? ये दिख रहा है आपको मिरर कनकेव है। कैसे अप्रोच करना है इसको मैं सिखाता हूं सबसे पहले, फिर क्वेश्चन तो आप आराम से बना ही लोगे। ठीक है बेटे, तो पहली चीज जो हमें दिख रहा है कि मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर, सो मिरर इज कनकेव। ठीक है बेटा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर। फ्रॉम रेडियस ऑफ कर्वेचर यू कैन फाइंड फोकल लेंथ, हाउ मच? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर बाय 2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन के साथ तो बेटे याद करना पड़ेगा आपको कि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है। तो याद करो बेटा वर्ड केविन है ना, केव लगा हुआ है, नेगेटिव होगा तो हो गया बेटा -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मिल गया बेटा। केस ए में U बराबर क्या हो गया बेटा 40 सेंटीमीटर। U इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ बेटा ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो लेफ्ट में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट साइड में आपको क्या लेना पड़ता है बेटा, नेगेटिव। सो U इज नेगेटिव, तो U इज -40 सेंटीमीटर। सो यू हैव U एंड F। जब आपसे पूछा जाता है कि फाइंड इमेज ऑफ पेंसिल है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, तो आपको पोजीशन बताना है, पोजीशन बताना है यानी वी निकालना है। तो सिंस आपको पता है बेटा कि वी इक्वल टू क्या होता है बेटा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो यू देखो कितना है -40, एफ कितना है -15, यू कितना है -40, माइनस एफ कितना है -15। वी विल पुट दिस, ये हो गया बेटा, तो 40 × 15 upon -40 + 15 कितना बचेगा बेटा, -25 बचेगा। क्या बचेगा, -25। आ रही बात समझ में? सही कराना मैंने तो ये हो गया बेटा -25। क्लियर है? तो देखो क्या हो जा रहा है बेटा, 5 से 5 गया बेटा, 5 से 8 हो गया और 5 से ये 3 हो गया, तो ये आ रहा है मेरा -24 सेंटीमीटर।
तो v इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो माइनस आया मत बेटा, है ना, माइनस आया, क्लियर है ना। तो क्या मतलब हुआ माइनस, v माइनस आने का मतलब, तो माइनस मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन सा इमेज बनता है बेटा, वर्चुअल रियल इमेज बनता है। सो द इमेज इज रियल, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया, ये तो नेचर पता चल गया बेटा आपको, क्लियर है कि नहीं। आपको क्या पता चल गया, नेचर पता चल गया। अब आपको क्या निकालना होता है बेटा, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब देखो चूंकि ऑब्जेक्ट को कैसा रखा है हमने, परपेंडिकुलर रखा है, तो कौन सा वाला मैग्निफिकेशन मिलेगा बेटा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो व्हाट विल बी द लीनियर मैग्निफिकेशन हियर, m इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, माइनस v बाय u, ठीक है। तो माइनस v कितना है बेटा, माइनस 24, और u कितना है, माइनस 40, ठीक है। तो माइनस माइनस चला गया बेटा, 4 से 6, 4 से 10, तो देखो क्या हो रहा है, माइनस 0.6। तो m इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस 0.6। सो फर्स्ट आंसर आ गया आपका माइनस 24 एंड माइनस 0.6, करेक्ट। आगे बात समझ में बेटा, तो इट्स सो सिंपल, इट्स सो इजी, ओके। तो ये हो गया बेटा पहला पार्ट क्लियर, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। तो बेटे सेकेंड पार्ट में क्या मुझे कुछ अलग करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, बस क्या चेंज हो गया बेटा, यू चेंज हो गया, और कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, बस जैसा हमने अभी सॉल्व किया वैसा ही सॉल्व कर देना है सेकेंड केस, सेकेंड केस के लिए। तो बेटे इस बार u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 30 सेंटीमीटर, f तो वही रहेगा बेटा, माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली बता सकते हो, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। तो पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप डायरेक्टली भी बता सकते थे हाउ। चलो तो f इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर है बेटा, u इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर है, हमने सीखा है v इक्वल्स टू क्या होता है, uf अपॉन u माइनस f होता है। सो u इज माइनस 30 माइनस 15 अपॉन माइनस 30 माइनस माइनस 15, तो ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया बेटा, ये प्लस हो गया, तो 30 इंटू 15 अपॉन क्या बचेगा बेटा, माइनस 15, तो ये कैंसिल हो गया, देखो क्या आया बेटा, माइनस 30 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन, इससे हमें समझ में आया कि जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहीं पर मेरा इमेज बन गया, जहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर हमारा इमेज बन गया। तो बताओ मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसको आप डायरेक्टली बता सकते थे, क्योंकि देखो फोकस कितना है 15, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है 30 सेंटीमीटर पर, यानी 15 2f पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बेटा, 15 दोना 30 2f पर रखा हुआ है। तो हमने तो पढ़ा है बेटा कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर रहेगा कंकेव मिरर के केस में, तो इमेज कहां बनता है बेटा, वहीं पर बनता है, सेम साइज का बनता है। तो हमें समझ में यहीं से आ रहा था कि ये कहां बनेगा बेटा, वहीं पर बनेगा, सेम पॉइंट पर बनेगा, ऑब्जेक्ट जहां पर है उसी जगह पर, ठीक है। प्लस साइज क्या होता है, सेम होता है, सेम साइज होता है, तो m कितना हो जाएगा बेटा, तो आप चाहो तो डायरेक्टली m पता कर सकते हो कि m क्या होगा बेटा, माइनस 1 होगा, और चाहे तो हम प्रूफ कर निकाल सकते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या बेटा, माइनस v बाई u, तो माइनस माइनस 30 माइनस 30, ये गया देखो माइनस 1 आया। तो बेटे ये m क्या शो करता है, मैग्निफिकेशन शो करता है, नंबर क्या शो करता है बेटा, उसका साइज बताता है, तो 1 का मतलब क्या बेटा, सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और माइनस क्या शो करता है, रियल को, प्लस किसको शो करता है, वर्चुअल को। सो रियल एंड इन्वर्टेड है ना, यहां से भी पहचान सकते हैं, लेफ्ट में आया बेटा नेगेटिव, यानी लेफ्ट में आया मतलब रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड होता है, तो ऑब्वियसली उसका m क्या होगा, नेगेटिव होगा, सेम साइज है इसलिए 1 आया, ठीक है बेटे। तो दूसरा चीज हमारा हो गया, क्लियर है ना आपको। तीसरी चीज, तीसरी बात करते हैं बेटा, थर्ड नंबर, ठीक है बेटे, अगेन सेम चीजें करनी है अपने को, है ना, सेम चीजें करनी है, थर्ड सी। तो इस बार क्या हो रहा है बेटा, फोकल लेंथ तो वही रहेगा माइनस 15, और यू इस बार क्या हो जाएगा, माइनस 15, है ना, और आपको क्या चाहिए बेटा, v चाहिए। अगेन देखो बेटा, आप चाहो तो डायरेक्टली समझ सकते हो, है ना, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ क्या है बेटा, सेम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ सेम हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहां
कैप्ट है, फोकस पे कैप्ट है। तो हमको पता है बेटा कनकेव मिरर में जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है ना बेटे। तो चलो आप चाहो तो करके देख सकते हो, क्योंकि v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, u इज -15 -15 -15 -15, ठीक है। क्या हो गया बेटा 15 × 15 अपॉन -15 + 15, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0 15 × 15 = 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है बेटा इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि इमेज कहां बनेगा बेटा, इंफिनिटी पर बनेगा, ठीक है। कहां बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। दूसरी चीज, चूंकि m इक्वल्स टू क्या होता है बेटा -v/u, ठीक है, m इक्वल्स टू क्या होता है बेटा -v/u, तो माइनस वी कितना है बेटा इंफिनिटी, ठीक है, क्या है v इक्वल्स टू क्या है इंफिनिटी, कौन सा वाला इंफिनिटी बेटा, लेफ्ट साइड वाला है ना, तो माइनस इंफिनिटी अपॉन क्या हो जाएगा u, कितना है u, कुछ भी रहे माइनस 15 है वैसे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपको समथिंग डिवाइडेड बाय, ये क्या होता है इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, आ रही बात समझ में, यानी क्या हो गया बेटा इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज है ना, इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया वेरी लार्ज। तो हमने सीखा तो है बेटा कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा और हाईली मैग्निफाइड बनेगा, क्या बनेगा हाईली मैग्निफाइड, रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है बेटे। तो यहां से भी ये चीजें प्रूफ होती है, आ रही कहानी समझ में आपको, ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली हमने जो भी केसेस पढ़े थे ना उसको इसने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, एग्जांपल के थ्रू मींस डेटा के थ्रू, ठीक है। अब आपको डेटा के थ्रू भी समझ आ गया कि हाँ वो जो बातें कही गई थी वो सारी बातें सच है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब पार्ट नंबर डी, इस बार यू इक्वल्स टू क्या लेना है बेटा -5, एफ अगेन क्या रहेगा बेटा -15, ठीक है, v ढूंढना है तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू इज -5, एफ इज -15, -5 -15, ये तो 5 15, ठीक है बेटा -15 -5 10, ठीक है 5 से 2 तो कितना बचा बेटा देखो 7.5 सेंटीमीटर। सो दिस टाइम v इज पॉजिटिव, दिस टाइम v इज पॉजिटिव, क्लियर है आपको। तो बेटे v पॉजिटिव का मतलब क्या है, इमेज की जो डिस्टेंस आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब अपने को राइट साइड में जाना पड़ेगा, राइट साइड में जाना पड़ेगा यानी क्या हो गया बेटा मिरर के पीछे जाना पड़ा। तो मिरर के पीछे जब जाएंगे तो इमेज कैसा बनेगा बेटा वर्चुअल बनेगा, तो द इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये यहां से हमें पता चल गया। ओके नाउ व्हाट, साइज की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो m इक्वल्स टू माइनस -v/u है ना, -v/u, सो माइनस v इज हाउ मच बेटा 7.5 एंड u इज हाउ मच -15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, माइनस v इज नहीं सही तो करा 7. कुछ गड़बड़ किया मैंने, -v/u, so v is 7.5 and u is -5, ठीक है बेटा u is -5, so minus and minus cancel हो गया बेटा 7.5 upon 5, तो ये क्या हो गया बेटा 25 दिया 75 25 दुना 75, 3/2 यानी 1.5, m equals to देखो क्या आया +1.5, ठीक है बेटा। तो होना चाहिए कि नहीं, मैंने क्या बोला था बेटा अगर नंबर वन से बड़ा आए तो क्या शो करता है ये, तो बेटे नंबर वन से बड़ा है तो ये शो करता है मैग्नीफाइड इमेज है ना, जितना नंबर रहेगा उतना टाइम्स 1.5 है, तो यानी 1.5 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जितनी होगी उसकी 1.5 टाइम्स आपका क्या होगा इमेज होगा, प्लस क्या शो करता है बेटा वर्चुअल इमेज को शो करता है। तो देखो सारी बातें जो हमने है ना फोटो के साथ सहारे सीखा था, डायग्राम के सहारे सीखा था, वो डेटा के सहारे भी क्या आता है सेम आता है, डेटा के बेसिस पर भी वो सारी बातें सही साबित होती है, क्लियर है बेटे, क्लियर है। तो कभी आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, कभी आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि हाँ हमारा
इमेज कहां बनेगा, अगर आपको वो पूरे 6 केसेस कनकेव के और 2 केसेस कन्वेक्स के पता है तो। क्लियर है बेटा? चलो तो ये एग्जांपल हो गया हमारा, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3, व्हाट इट इज सेइंग, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस, ओके बेटे, टुवर्ड्स अ पॉइंट ओ, टुवर्ड्स अ पॉइंट ओ, क्लियर, टुवर्ड्स अ पॉइंट ओ, बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर, बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कुछ डायग्राम बनाया गया है इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, ये पॉइंट ओ है आपका, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज इफ द पॉइंट ओ इज, इफ द पॉइंट ओ इज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फर्स्ट केस, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और केस बी है बेटा 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है बेटे। तो चल, ये भी बहुत आसान है बेटा, है ना, ये भी बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं अपन। तो बेटे यहां पर आपको क्लियरली सीन है कि ऑब्जेक्ट जो है ना, ये लाइट रेज आ रही थी वो कहां कन्वर्ज हो रही है, यहां कन्वर्ज हो रही है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, लेकिन वो ऑब्जेक्ट रियल में नहीं है क्योंकि रियल में लाइट वहां पहुंच नहीं सकती, तो ये कैसे ऑब्जेक्ट है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वेरी नाइस। सो दैट इज द, दैट पॉइंट ओ इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमें केस दिया हुआ है, केस पहला केस, फर्स्ट केस में तो वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। सो फॉर द फर्स्ट केस ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये 10 सेंटीमीटर किधर है बेटा, राइट साइड में है, बिहाइंड द मिरर है, तो बिहाइंड द मिरर अपने को क्या लेना होता है बेटा, पॉजिटिव। सो दिस टाइम यू इज पॉजिटिव, तो आपको याद आ रहा है मैंने क्यों बोला था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज जनरली नेगेटिव, नॉट ऑलवेज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अगर इमेज ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, ठीक है बेटा। तो u इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस 10, और f इक्वल टू क्या है बेटा, f कितना है, 20। अच्छा बताओ इसका f क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो बेटा इसका f पॉजिटिव होता है ना बेटे, इसका f पॉजिटिव होता है। तो चूंकि आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, uf अपॉन u माइनस f, तो u इज 10, f इज 20, 10 माइनस 20, तो आया हमारे पास v इक्वल्स टू 10 इंटू 20 अपॉन माइनस 10, तो आंसर आया आपके पास माइनस 20 सेंटीमीटर। क्या मतलब है भाई इसका, क्या मतलब है, क्या मतलब है, v जो आया वो नेगेटिव आया, मतलब इधर जाना पड़ेगा, कितना इधर जाना पड़ेगा बेटा, 20 सेंटीमीटर इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10 है, तो ये 10 और ये 10, इधर कहीं पर आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा हो गया,
और ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा हो गया, यहां पर मिल गया आपको इमेज। तो बेटा ये वाला जो इमेज बना है ना लेफ्ट में आकर के बना, तो लेफ्ट में जो बनता है इमेज वो क्या होता है बेटा, रियल होता है। क्या होता है? रियल होता है। सो द इमेज इज रियल। ठीक है बेटा, रियल। क्लियर है बच्चे? तो ये जो इमेज है वो रियल हो गया। आगे बात तुम्हारी समझ में? ठीक है, ओके। नाउ तो हमें नेचर नेचर समझ में आ गया कि रियल है। अच्छा एक और बात बेटे, m निकाल लेते हैं। तो देखो m क्या आया, m इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस v बाई यू। तो माइनस v कितना आया, माइनस 20, और u कितना आया बेटा, प्लस 10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, यानी 2 आ गया। m इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। क्या मतलब हुआ इसका बेटा, प्लस 2 आया, प्लस 2 आया। क्या मतलब हुआ इसका, बोलो बोलो। इसका मतलब हुआ बेटा कि जो इमेज की साइज होगी वो 2 टाइम्स होगी, है ना। इमेज की साइज जो है वो क्या होगी, 2 टाइम्स की होगी, है ना। मैग्निफाइड इमेज बनेगा। इतना समझ में आ गया आपको? और यहां देखो बेटा प्लस आया, क्या मतलब है इसका, प्लस आया का क्या मतलब है, बोलो बेटे। तो प्लस आया इसका मतलब है जो इमेज है वो क्या आया, इरेक्ट आया। क्या आया बेटा, इमेज इरेक्ट। क्योंकि m इक्वल्स टू क्या होता है, एच आई बाई एच ओ होता है बेटा, है ना। तो एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं अपन, तो एच आई भी पॉजिटिव होगा तभी ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या आ रहा है, इरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, रियल होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, रियल होगा और दिख रहा है यहां से इरेक्ट होगा, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, रियल इरेक्ट और टू टाइम्स मतलब मैग्नीफाइड, टू वन से बड़ा है बेटा तो मैग्नीफाइड। तो देखो ये कहना भी कि हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, देखो बेटा यहां पर भरमार है एक्सेप्शंस का, अगर आप थोड़ा सा ध्यान हटाओगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, हम पहले क्या बोलते थे कि रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। बट ऐसा नहीं है, केस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वर्चुअल के केस में चीजें बदल जाती है। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वर्चुअल है, इसलिए देखो इमेज हमारा क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, लेकिन लेकिन उसका नेचर कैसा है, इरेक्ट है, रियल एंड इरेक्ट। तो रियल और इरेक्ट भी बन सकता है, रियल हमेशा इन्वर्टेड हो जरूरी है क्या? अगर आपसे इस तरीके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बोल दे कि रियल इमेज इज ऑलवेज, ठीक है, अगर ऐसा बोल दे रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो सही होगा कि गलत होगा, तो गलत हो जाएगा बेटा, है ना। रियल इमेज इज नॉट ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज मे बी इरेक्ट ऑल्सो, बट कंडीशन क्या है बेटा, कि ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो। हाँ, अगर ऐसा बोले कि फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, फॉर द रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑलवेज रियल, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तब करेक्ट होगा। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा यूज कर रहा है उसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, ध्यान देना है, अगर ऐसा लिखा गया है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, तो दिस इज करेक्ट। बट सिर्फ अगर ऐसा बोला गया है कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये ऐसा भी केस हो सकता है, रियल इमेज इरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है? तो रियल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, एंड मैग्निफाइड इमेज बन रहा है अभी की केस। क्लियर है बेटे? आगे बात समझ में आपको, टू टाइम्स मैग्निफाइड है, रियल है, इरेक्ट है। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला केस। आगे बढ़ते हैं सेकेंड केस, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इस बार कहां रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर रखा हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन बेटे, तो 30 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर है, तो u क्या हो जाएगा, अगेन प्लस 30 हो जाएगा। फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, प्लस 20, तो देयरफॉर v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ यूज करेंगे। u इज 30, f इज 20, 30 माइनस 20, तो 30 20 अपॉन 10 60। इस पर देखो क्या आया, प्लस आया, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, प्लस 60 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन,
इसका मतलब इस बार इमेज हमारा कहां बनेगा, इधर इधर कहीं बनेगा, क्या बनेगा बेटा इधर कहीं। ये 10 सेंटीमीटर था ना, ये 10 सेंटीमीटर था ना, इससे और आगे बढ़ जाओ 50 सेंटीमीटर, यहां पर हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस बार क्या हो रहा है बेटा, इमेज कहां बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, तो राइट साइड में फिर से क्या होगा, वर्चुअल। तो इस बार देखो इमेज क्या हो गया, वर्चुअल। आ रही बात समझ में बेटा, इमेज क्या बन गया, वर्चुअल, वेरी गुड। नाउ सी एम की बात करते हैं, माइनस वी बाई यू, तो माइनस वी 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 इज प्लस 60 अपॉन यू 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 इज प्लस 30, तो बेटा 32 जा, तो ये देखो क्या हो गया बेटा माइनस 2, दिस टाइम एम इज माइनस 2। अगेन माइनस का क्या मतलब है बेटा, माइनस का मतलब क्या है, इस बार जो इमेज है ना वो आपका इन्वर्टेड बनेगा, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड। आ रही बात समझ में, और यू फिर से गड़बड़ हो गया है, हम जनरली क्या जानते थे बेटा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, हम जनरली क्या जानते हैं, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, ये क्या हो गया भाई, इन्वर्टेड हो गया। यस मे बी बिकॉज ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज भी इन्वर्टेड, रियल इमेज सीधा हो सकता है, वर्चुअल इमेज उल्टा हो सकता है, तो देखो पूरा गड़बड़ झाला हो गया है ना, क्या हो गया बेटा, पूरा गड़बड़ झाला हो गया। तो आपको समझना है ना, तो समझने के लिए इतने चीजों को हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसे याद रखेंगे, सर बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, क्या करें, तो बेटा सिंपल सी बात है, वी निकालेंगे, कुछ भी केस दिया रहे, याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी केस दिया रहे है ना, वी निकालेंगे, उसमें जो आएगा प्लस माइनस, उससे आपको क्या समझ में आएगा बेटा, कि रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, है ना, लेफ्ट साइड में बना यानी निगेटिव आया भी तो रियल बनेगा, और राइट साइड में आया पॉजिटिव हुआ मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। फिर एम निकालो, एम निकाल लो, एम से आपको क्या पता चलेगा, साइज, और दूसरी चीज कि हमारा जो इमेज है वो उल्टा है या सीधा है, अगर बेटा प्लस आया तो सीधा और अगर माइनस आया तो उल्टा, क्लियर है बेटा इमेज। तो ये दो चीजों से अपने को इमेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि साइज क्या होगी, नेचर कैसा होगा, ये दोनों बातों का जानकारी हमको इन दोनों चीजों से पता चल जाता है, पोजीशन भी पता चल गया, नेचर भी पता चल गया, साइज भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। तो हमेशा याद नहीं रखेंगे हम, ठीक है, हमेशा याद नहीं रखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे इन दो फॉर्मूलों को यूज करके, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कहना कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है गलत हो गया, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है ये भी गलत हो गया, आपने देखा वर्चुअल भी इन्वर्टेड हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ये बातें सही है, लेकिन वर्चुअल है तो ये बातें गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है और फिर उसका जवाब देना है, रिप्लाई देना है, आंसर करना है। तो बेटे ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है देखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ कंकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ कंकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ, फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, in front of the mirror, in front of the mirror, so that the image is 3 times, so that the image is 3 times the size of the object, the size of the object। ठीक है बेटे, और द फोकल लेंथ ऑफ अ कंकेव मिरर, ठीक है बात समझ में आ गई। तो आपको यहां से
क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको मिरर आइडेंटिफाई करने बोला था मैंने आपको, तो मिरर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, लिखे है वो है क्लियरली मिरर कौन सा है, कंकेव मिरर। सो कंकेव मिरर है ठीक है बेटा, जिसका फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। बेटे चूंकि कंकेव मिरर है, केविन याद रखेंगे नेगेटिव आएगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बेटे हमने कंकेव मिरर बना लिया और बोलता है कि इसके सामने इन फ्रंट में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रियल है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा रियल है, जो हमने कन्वेंशनली पढ़ा है वही यूज होगा यहाँ पर। तो कंकेव मिरर फोकल लेंथ माइनस 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है ये हमें पता करना है ठीक है। तो भाई हमको पता है इसको हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं, तो यू ले लिया। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है बेटे। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, इससे आपको क्या पता चलता है, m पता चलता है बेटा 3 times, तो m क्या हो गया 3। अच्छा लेकिन इसका नेचर नहीं दिया बेटा ठीक है, जो हमारा इमेज बन रहा है वो रियल है या वर्चुअल है ये नहीं गिवन है, यानी इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है ये नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों मानना पड़ेगा, प्लस भी माइनस भी ठीक है, प्लस भी मानना पड़ेगा और माइनस भी मानना पड़ेगा। नहीं समझा, इसने क्या बोला ओनली कि इमेज शुड बी 3 times ठीक है बेटे। तो 3 times क्या, वर्चुअल में कि रियल में, किस में ये तो हमें पता नहीं है। अरे बात समझ में, तो हमने क्या किया बेटा, दोनों केस ले लिया, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे केस नंबर 1, केस 1 इफ इमेज इज रियल, इमेज रियल होगा तो बेटा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 तो होगा ही होगा है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस, m उसका क्या होता था नेगेटिव होता था, तो इफ इमेज इज रियल m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 3। अच्छा m इक्वल्स टू क्या हुआ करता था बेटा, माइनस v बाई यू हुआ करता था है ना, तो ये देखो माइनस और ये माइनस, देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या हो गया बेटे 3u, v इक्वल्स टू क्या हो गया 3u। क्लियर है बच्चे आपको, अब देखो चूंकि 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f ठीक है, रिप्लेस करते हैं 1 by 3u plus 1 by u is equals to 1 by f, f कितना है बेटे माइनस 30, f कितना है माइनस 30 ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया इसका 3u हो जाएगा बेटा, 1 plus u क्या हो जाएगा 3 equals to minus 1 by 30, कितना आ रहा है बेटा 4 upon 3u is equals to minus 1 upon 30, 3 से ये हो गया बेटा 10, therefore u equals to क्या आ गया देखो minus 40, देखो क्या आ गया बेटा u equals to minus 40, देखो बेटा u minus 40 आया, what does it mean, u minus 40 आया इसका मतलब minus आया मतलब left में, obviously ये object कहाँ होगा left में, पहले starting में मैंने नहीं लिया है ना u में plus minus नहीं लिया, लिया है क्या sign नहीं लिया, यहाँ पे sign हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि हाँ यहां पर मेरा आएगा, आगे बात समझ में क्लियर है अच्छे से समझा। तो u इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 40 सेंटीमीटर, यानी अगर मुझे रियल इमेज 3 times बड़ा चाहिए तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, मिरर के फ्रंट में 40 सेंटीमीटर पर, मिरर के फ्रंट में 40 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा आपका कि अगर आपने इमेज को रियल लिया तो आपको ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। केस 2, केस 2 केस 2 इफ इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, तो बेटे वर्चुअल इमेज के लिए m क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस 3। अच्छा ये क्या होता है बेटा माइनस v बाय u, तो देयरफॉर इस बार v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 3 times u, therefore 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f में जब हम put करेंगे तो 1 upon minus 3u plus 1 upon u is 1 upon minus of 30 ठीक है बेटे। तो ये हो गया आपका 3u minus 1 plus 3 is equals to minus 1 by 30, 3 से 10, ये हो गया बेटा 2 by u is equals to minus 1 by 10, therefore u equals to minus 20 centimeter ठीक है बेटा। तो वर्चुअल इमेज चाहिए तो आपको कहां रखना पड़ेगा,
लेफ्ट साइड में 20, माइनस क्या शो कर रहा है बेटा, लेफ्ट साइड में यानी फ्रंट में 20 सेंटीमीटर पर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया? तो दोनों ही केसेस हमें समझ में आ गया, इमेज वर्चुअल होना चाहिए, इमेज सॉरी वर्चुअल होगा तो कितना चाहिए, रियल होगा तो कितना चाहिए, दोनों चीजें हमें समझ में आ गया। क्लियर है, अच्छे से समझा आपने? ठीक है बेटा, तो ये हो गई बात आपकी। चल आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या है देखो, एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया बेटा, 5 हो गया क्या, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट and its image in a convex mirror of focal length kitna hai beta 12 centimeter is 32 centimeter. Find the size of image if object size is 1 centimeter. ठीक है बेटा, if object size is 1 centimeter. तो देखो क्वेश्चन में कितना क्लियर सब कुछ लिखा हुआ है ना, कि द डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट, तो आपको क्लियर कर दिया बेटा कि रियल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हमने नॉर्मली पढ़ा है उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट किधर होता है बेटा, मिरर के फ्रंट में होता है, और कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो दिस इज कन्वेक्स मिरर का पोल से कहां पर है हमको पता नहीं, ऑब्जेक्ट मान लो ये है, इसकी लंबाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर है, क्लियर है, और इसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और बोलता है इसका जो इमेज बनेगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा है ना कि कन्वेक्स मिरर में इमेज कहां बनता है बेटा, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है ना, तो पोल और फोकस मान लो ये है, तो इधर कहीं इमेज बना होगा सपोज, है ना, इधर कहीं पर इमेज बना होगा, आपको ये भी पता है बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, तो इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है बोलता है 32 सेंटीमीटर। This distance is image और object के बीच का distance कितना है 32 सेंटीमीटर है। Okay बेटे, clear है? तो जैसा कि आपको पता है बेटा, इसको मान लो मैंने बोला x और इसको मान लो बोला मैंने y, चलेगा? इसको x बोला और इसको मैंने y बोला, ठीक है? तो x plus y कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर हो गया। तो x plus y equals to 32 हो गया। ये हो गया equation number 1। ठीक है, x plus y equals to 32 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f, ठीक है, तो 1 by v कितना है बता दो आप मुझे, तो ऑब्वियसली आप देख के बता सकते हो बेटा कि y जो है वो u है, प्लस 1 अपॉन u कितना है सर, तो आप देख करके बता सकते हो कि x है, लेफ्ट साइड में है तो माइनस एक्स लेना पड़ेगा बेटा, अपॉन 1 बाई f कितना है बेटा 12, और कन्वेक्स के लिए f क्या होता है पॉजिटिव, है ना, कन्वेक्स के लिए f क्या होता है पॉजिटिव, तो देखो 1 बाय y माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू 1 बाय 12, ठीक है, 1 बाय y माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू क्या हो गया 1 बाय 12, अच्छे से समझ में आया बेटे। अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंप्लीफाई करो, आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया बेटा x माइनस y इक्वल्स टू 1 बाई 12, ठीक है,
तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आया देखो, एक्स वाई बाय 12, एक्स वाई बाय 12, आ रही बात समझ में? तो x माइनस वाई एंड x प्लस वाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक। तो इसको क्या करो, कुछ चेंज करो, आपको चाहिए क्या, फाइंड दी साइज ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज की साइज चाहिए, ठीक है ठीक है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, x इक्वल्स टू 32 माइनस वाई, ठीक है, x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, 32 माइनस वाई, तो इसको रिप्लेस कर देता हूं यहां पे, 1 upon y minus 1 upon x के बदले क्या लिख सकता हूं बेटा, 32 माइनस y इक्वल टू 1 upon 12, ठीक है। तो ये आ जा रहा है बेटा y into 32 माइनस y, 32 माइनस y माइनस y इज इक्वल टू 1 by 12। अब देखो आसानी से बन जाना चाहिए, 32 माइनस 2y into 12 इज इक्वल टू 32y माइनस y स्क्वायर, ठीक है, 32 माइनस y स्क्वायर ऐसा हो गया। तो ये हो गया बेटा 32 into 12 माइनस 24y इज इक्वल टू 32y माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक ये क्या होगा बेटा, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, इसको इधर भेजता हूं बेटा, तो हो जाएगा y स्क्वायर, ये 32y इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 32 और 24, 30 20 50 56y माइनस 56y, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 32 into 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटे, y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 32 इंटू 12, ये तो थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया बेटा। तो एक काम करना बेटा, आप इसको इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना, तो यहां से मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूं, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 32 इंटू 12, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटे आपको आएगा y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो आपको x का भी वैल्यू मिल जाएगा इससे, तो x और y मिल जाएगा बेटा। इसमें y आपका क्या है, v है, और x क्या है आपका, u है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इससे आप क्या करोगे, m का वैल्यू ले लोगे, निकाल लोगे, m है ना माइनस v बाय u, यूज करोगे फॉर्मूला, यहां से m मिल जाएगा, और ये किसके बराबर होगा बेटा, hi बाय ho, ठीक है। तो माइनस v बाय u इसको सॉल्व करके जो मिलेगा, hi अपॉन ho आपको क्या दिया हुआ था बेटा, 1 सेंटीमीटर, यहां से आपको hi मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा। इस तरीके से आपको ये यूज करना है, क्लियर है बच्चे, अच्छे से समझ में आ रहा है, hi आपको यहां से फाइंड हो जाएगा, क्लियर है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो बेटा, यहां पर मुफ्त में टाइम बर्बाद होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा हो जाएगा, आई थिंक एग्जांपल नंबर 6, लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल 6, ठीक है बेटे। देखो क्या कह रहा है कि ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f बाय 3, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f बाय 3, ओके, इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अ कंकेव मिरर, ऑफ अ कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ, फोकल लेंथ एफ सच दैट इट्स इमेज
सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड elongated just touches the rod okay calculate the magnification ठीक है बेटा कैलकुलेट दी मैग्निफिकेशन बहुत ही अच्छा सवाल बेटा बहुत ही अच्छा सवाल देखो जो रे ऑप्टिक्स है ना इसमें आपको सारा खेल जो है ना मतलब सारे जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो हिंट हिंट में दिया रहता है मतलब आप इसको बोल सकते हो इशारों इशारों में दिया रहता है जो इन इशारों को पहचान लेगा वो सवाल बना लेगा अदरवाइज वो लटका रह जाएगा ठीक है कैसे देखो A thin rod of length f by 3 is placed along the optical axis of a concave mirror. ठीक है बेटा तो हमको ये तो बता दिया कि मिरर कैसा है कंकेव है फोकल लेंथ f है और बोला कि इसको कैसे रखना है बेटा सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड जस्ट टचेस द रॉड ठीक है देखो कितना बढ़िया से बोला है सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड टचेज जस्ट टचेज द रॉड मतलब इसका जो रॉड का इमेज बनेगा ठीक है बेटा रॉड का जो इमेज बनेगा वो रॉड को टच कर रहा है ठीक है रॉड का जो इमेज बन रहा है वो रॉड को टच करेगा तो इसका क्या मतलब है बेटा इसका मतलब है कि उस रॉड का कोई तो एक पॉइंट है ठीक है उस रॉड का कोई तो एक पॉइंट है जो क्या हो रहा होगा बेटा ऑब्जेक्ट का पॉइंट और उस इमेज का पॉइंट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है आ रही कहानी समझ में आपको दैट मीन्स कि देखो इससे आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए देखो ये कितना बड़ा बात बोल रहा है ना इनडायरेक्ट वे में ठीक है बेटा ये आपका एफ होता है ये आपका टू एफ होता है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट का जो एक एंड है वो कहां होना चाहिए 2F पर होना चाहिए क्योंकि 2F ही वो पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज भी वहीं पर बनता है समझ आ रहा है तो इसका मतलब उस रॉड का एक एंड जो है वो 2F पर है तो ठीक है सर दूसरा एंड किधर होना चाहिए अब मैं इस रॉड को ऐसा बनाऊं कि ऐसा बनाऊं देखो हा? तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा फिर आगे क्या बोलता है देखो ये शुड बी रियल एंड इलोंगेटेड तो बेटा जैसा कि आपको पता है 2F के बिहाइंड यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लो तो कैसा इमेज बनता है छोटा और अगर F और 2F के बीच में इमेज रखो ऑब्जेक्ट रखो तो कैसा इमेज बनता है इलोंगेटेड मींस मैग्नीफाइड तो दैट मींस कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए बेटा इधर होना चाहिए ठीक है ना ऑब्जेक्ट किधर होना चाहिए इधर होना चाहिए तभी इसका इमेज क्या बन सकता है इलोंगेटेड बन सकता है ठीक है F और 2F के बीच में होगा तभी इलोंगेटेड हो सकता है क्लियर देखो सारी बातें जो है वो इशारों इशारों में हो रही है तो यहां से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है ठीक है बेटे और इसकी लंबाई क्या है F by 3 तो भाई आगे की बातें आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो है वो कौन सा केस है सर ये है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाला यानी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होगा यहां पर क्या होगा बेटा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होगा अच्छा तो भाई सर आपने लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में दो केस सिखाए थे क्या क्या एक जिसमें ऑब्जेक्ट की साइज फोकल लेंथ के कंपैरिजन में इग्नोर नहीं किया जा सकता और दूसरा जिसमें फोकल लेंथ के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की साइज को इग्नोर कर सकते हैं ठीक है बेटे दोनों केस पढ़ा था तो ये वाला केस किस में फिट बैठता है आप सोचो ये वाला केस किस में फिट बैठता है क्या F के सामने F by 3 negligible है सर obviously not है ना obviously not तो यहां पर हमको हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते ठीक है बेटा ये साइज काफी है ना है पर्याप्त रूप से है तो बेटा ऐसे वाले सवाल को मैंने कैसे बोला था करने के लिए तो मैंने बोला था एक एक पॉइंट करके लेंगे है ना एक पॉइंट दूसरा पॉइंट
पहले इस पॉइंट को लोकेट करेंगे, देन इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो बेटे ये वाला पॉइंट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 कितना हो जाएगा, ये कितना है बेटा 2f, और उसमें से ये कितना है f by 3, तो 2f minus f by 3 ये u1 हो जाएगा बेटा, 2f minus f by 3 कितना हो गया बेटा 3 2 जा 6 minus f 5 f by 3, ठीक है बेटे। तो जो पॉइंट 1 है उसके लिए u1 कितना हो गया 5f by 3, लेफ्ट में है बेटा माइनस लगाना पड़ेगा। सिमिलरली फोकस कितना है कनकेव मिरर के लिए, माइनस एफ यूज करना पड़ेगा, है ना बेटे, क्या यूज करना पड़ेगा माइनस एफ। तो चूंकि v इक्वल टू क्या होता है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, सो यू इज माइनस फाइव एफ बाई थ्री इंटू एफ इज माइनस एफ, यू इज माइनस फाइव एफ बाई थ्री माइनस माइनस एफ। ओके तो बेटे ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 5f by 3 into f, और ये क्या हो जाएगा बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 3f minus 2f by 3 के हो जाएगा क्या बेटा, तो यहां से देखो f by 3 और f by 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच रहा है minus 5f by 2, how much बेटा minus 5f by 2, कहां लाई करेगा देखो minus 5f by 2 का मतलब हो गया बेटा 2.5f, है ना। तो ये वाला पॉइंट जो 1 है वो यहां तक 2f है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, यहां ऐसा कुछ बनेगा, क्लियर। दूसरा पॉइंट तो यहीं पर रहेगा बेटा, याद आ रहा है, समझ आ रहा है ना, ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट तो यहीं लोकेट होगा, ये तो टच करना है, 1 2 वाला यहीं के यहीं रहेगा क्योंकि वो 2f पर है, 1 वाला यहां आ गया, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो दूरी क्या आया आपके पास 2.5f आया, ये वाला दूरी कितना था बेटा 2f, तो देखो इमेज कितना लंबा है बेटा 2.5f minus f, तो यानी 2f f by 2 बच गया, ठीक है। तो इमेज की लेंथ कितनी हो गई बेटा f by 2 हो गई बेटा, आ रही बात समझ में। सो इमेज की डिस्टेंस जो है, इमेज की लेंथ जो है वो आ गई f by 2, और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है f by 3। तो हमें निकालने क्या बोला गया बेटा मैग्निफिकेशन, सो m इक्वल्स टू क्या बोला था मैंने, m इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सो लेंथ ऑफ इमेज इज f by 2, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज f by 3, सो f f कैंसिल हो गया बेटा, 3 by 2 दैट इज 1.5, मैग्निफिकेशन कितना है बेटा 1.5, नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि रियल है बेटा, तो नेगेटिव में क्या होना चाहिए 3 by 2, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, कहां गया भाई, कहां गया, करेक्ट 3 by 2, ओके मैग्निफिकेशन कितना है उसका 3 by 2, ओके तो आपको समझ में आ गया बेटा कैसे यूज करना है। अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे आप इसके ऊपर और साल और ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा ये पूरा प्रैक्टिस का चैप्टर है, आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि आप कहां-कहां गलती कर सकते हो, और जब आप उनको समझोगे तो आपका परफेक्शन बढ़ेगा, क्लियर है। तो डू दी प्रैक्टिस, आस्क द डाउट, ओके टिल देन बाय बाय।